एनसीडीसी के एमडी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि सहकारिता को एक फुल फ्लेज मंत्रालय बनाया जाए। पहले एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी स्तर पर कृषि विभाग का एक हिस्सा सहकारिता मंत्रालय होता था और इस देश की लगभग 50% से ज्यादा आबादी किसी न किसी प्रकार से सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो महत्वपूर्ण निर्णय के बाद सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने किया है। पैक्स सहकारिता की आत्मा होती है। ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों में पैक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है और महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत समय से पैक्स के मॉडल बायलॉज को समयानुकूल नहीं बनाया गया था। पैक्स की अकाउंट की सिस्टम को भी अंग्रेजों के जमाने से जस का तस रखा गया था। पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड, इसके बीच के जो संबंध है वो शुष्क और कागजी संबंध है। ये 1.5 साल के अंदर हमने सभी राज्य, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके पैक्स के बायलॉज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक मॉडल बायलॉज बनाकर हमने हर राज्य को भेजा है। इसके साथ साथ इसी कितनी पंचायतें जहां पर पैक्स नहीं है इसका हमने आइडेंटिफिकेशन भी किया है और इसके लिए एक नेशनल डेटाबेस लगभग बनकर तैयार हो गया है। 70% काम हमारा समाप्त हो गया है जो गैप्स को चिन्हित करेगा, गैप्स को आइडेंटिफाई कर उसको भरने का काम करेगा। कल वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स की रचना का भी उद्देश्य रखा गया है। लगभग 5 साल में 2 लाख पैक्स बनेंगे नए। अभी क्रियाशील पैक्स 65,000 है और जिनको रिवाइव करना है ऐसे 30,000 पैक्स हैं, तो कुल मिलाकर 2,95,000 पैक्स बढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या पैक्स के सामने पैक्स को वायबल बनाने की थी। हमने इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय ने काम कर पैक्स के साथ नए नए आयामों को जोड़ा है जो ग्रामीण जनता की सुविधा, किसानों की सुविधा और ग्रामीण और कृषि विकास से संलग्न है। जैसे आज एक नई शुरुआत अश्विनी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आईटी डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत सहयोग किया है हमारा। आज एक नई शुरुआत होने जा रही है सीएससी के लिए, एक एसपीवी बन रहा है जो पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर की सेवा बनाने प्रदान करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा हर घर जल में जो ग्रामीण जल वितरण समितियां बननी है वो भी पैक्स काम करेगा। भंडारण का काम राज्य स्तर पर होता है, इसको हम तहसील लेवल पर ले जाकर पैक्स के सुपुर्द करने वाले हैं। तो गेहूं को, चावल को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा भी नहीं होना है बाद में, और गोडाउन से उपभोक्ता पर तक पहुंचाने का भी खर्चा नहीं होना है। इसी प्रकार से जहां बैंक नहीं है वहां बैंक मित्र का काम भी पैक्स करने वाले हैं। 20 अलग अलग प्रकार के कामों को पैक्स के साथ जोड़ा गया है।
और वो भी इस कामों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है सीएससी का दर्जा पैक्स को देना और सीएससी की सुविधाएं ग्रामीण जनों तक पैक्स के माध्यम से पहुंचाना। जब पैक्स सीएससी से भी युक्त होंगे और पैक्स एफपीओ भी बनेंगे, पैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ता अनाज की दुकान को भी धारण कर पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे, तो ये मल्टी डायमेंशनल बहुउद्देशी जो पैक्स की रचना है वो पैक्स को वायबल बनाएगी और इसके माध्यम से बहुत बड़ी रोजगारी जनरेट होने की संभावना पड़ी है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मोदी जी ने इस बजट के अंदर ढेर सारी रियायतें कोऑपरेटिव सेक्टर को दी है। उत्पादकता के क्षेत्र में जो नए कोऑपरेटिव रजिस्टर होंगे वो सभी को कंपनियों के समकक्ष 15% टैक्स लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है अपने आप में। अब तक सहकारिता क्षेत्र के अंदर उत्पादक कंपनियों को अन्याय होता था। मोदी जी ने एक समान प्लेटफॉर्म सहकारिता की उत्पादक सहकारिता क्षेत्र की इकाइयों और कंपनीज के बीच में देने का काम किया है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना का भी नींव बजट के अंदर डाला गया और 2 लाख से ज्यादा पैक्स के रजिस्ट्रेशन का भी काम किया गया। आज सहकारिता विभाग और अश्विनी जी का विभाग आईटी विभाग दोनों मिलकर एक हस्ताक्षर करने जाए हैं एमओयू पर। इससे बीमा, कानूनी साक्षरता, ई कॉमर्स, निवेशक के नाते जागरूकता, चुनावी सेवाएं, कृषि का आदान प्रदान, कौशल की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बस और हवाई अड्डे के टिकट का बुकिंग का काम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अनेक विध लगभग 300 के आसपास सेवाएं पैक्स के माध्यम से ग्रामीण जनों को उपलब्ध होंगी, क्योंकि कृषि के साथ जुड़े हुए सभी किसानों को हर रोज पैक्स में जाने की आदत है, वो अखबार भी वहीं पढ़ते हैं, तो उनको इस सेवा के लिए बहुत सरलता से सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ रोजगारी का भी बड़े मात्रा में सृजन होगा और सीएससी का जो कंसेप्ट है वो मैं मानता हूं कि देश से छोटे की छोटी इकाई तक बहुत सरलता के साथ पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने पैक्स को कंप्यूटराइज करा है तो पैक्स पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आने वाला है। हर पैक्स में 3 कंप्यूटर होने, तो वो कंप्यूटरों से ही ये सारी सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है और बहुत बड़ा फायदा इससे मिलेगा। इसके साथ साथ इनपुट सेवाएं जैसे कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि के वितरण के लिए भी इसी के माध्यम से किसानों के साथ हम अपना संपर्क बढ़ाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सहकारिता के क्षेत्र में और सामान्य किसानों को सुविधा देने के लिए आईटी डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। मैं फिर से एक बार आईटी डिपार्टमेंट का यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कोई तकलीफ न हो इस तरह से सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को स्वीकारा है और लाखों पैक्स तक ये सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और मोदी जी का जो स्वप्न है सहकार से समृद्धि, किसान सहकारिता दोनों मजबूत हो और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की रीढ़ की हड्डी सहकारिता बने, इस स्वप्न को पूरा करने में इससे बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।